नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार लोकमान्य रूरल इंटर कॉलेज महेवा इटावा, कक्षा 9 वाणिज्य विषय के रोज नामचा नामक लेसन को लेकर के आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। आज हम लोग रोज नामचा पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि स्मरण वही क्या होती है या स्मारक पुस्तक किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, उपयोगिता क्या है, महत्व क्या है, रोज नामचा या जर्नल से आशय, इसकी परिभाषाएं एवं लेखा करने के नियम, रोज नामचा के क्या लाभ हैं, खातों से क्या आशय हैं, इसकी परिभाषा का अध्ययन करेंगे, खातों के प्रकार यानी वर्गीकरण एवं उनको ऋणी और धनी करने के नियम क्या हैं, इस बात का हम अध्ययन करेंगे। मिश्रित जर्नल लेखों का आशय क्या है और उनके लेखे किन नियमों के अंतर्गत किए जाते हैं, इस बात का अध्ययन करेंगे। अंत में हम अध्ययन करेंगे रोज नामचा में लेखा करते समय कौन कौन सी वे बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए हम आरंभ करते हैं। जैसा कि प्यारे बच्चों, मैंने आपको इससे पहले वाले पाठ में आपको बताया था कि प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में वित्तीय लेन देन को नियमानुसार लिखना ही पुस्तपालन कहलाता है। तो जो लिखने का कार्य था वो किस नियमावली, किस नियम के अंतर्गत लिखा जाता है, हम उन सभी नियमों का अध्ययन यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले व्यापारी एक कच्ची स्मरण वही या स्मारक पुस्तक बना लेता है, जिसे हम मेमोरेंडम बुक भी कहते हैं, जिसमें सभी लेन देन तिथिवार लिखता चला जाता है। इसको बनाने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि जब हम फाइनल जनरल एंट्री करते हैं, जनरल में पोस्टिंग करते हैं, तब त्रुटियां हमारी कम से कम हो, यही प्रयास रहता है। तो इसकी परिभाषा जानते हैं हम। यह दोहरे लेखा प्रणाली की प्रथम पुस्तक होती है। यह मोटे पन्नों की बनी होती है तथा इसके सिरे पर डोरी से एक पेंसिल बंधी रहती है। जैसे ही कोई लेन देन होता है, उसे तुरंत इसमें याददाश्त के रूप में लेन देन के क्रमानुसार लिख लिया जाता है और बाद में इसे प्रतिदिन साय को प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में उतार लिया जाता है, जिससे लेखा पुस्तकों के गंदा होने या उनमें अधिक काट छांट होने का भय नहीं रहता है। इस बही का रखना ज़्यादा आवश्यक नहीं है। व्यापारी केवल सुविधा के लिए इसे रखते हैं, जिससे कि कोई व्यापारिक लेन देन पुस्तकों में लिखने से छूट न जाए। इस वही को अधिकांश बड़े बड़े व्यापारियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसे कच्चा रोजनामचा, रफ वही, कच्ची वही भी कहा जाता है। सामान्य रूप से इसमें कोई विशेष तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। लिखने के लिए हम डेट तारीख डाल देते हैं, जिस दिन लेन देन हो रहे हैं वह तिथि डाल दी जाती है, और धनराशि के साथ में जो लेन देन हुआ है, मान लीजिए नकद माल खरीदा तो लिख दिया जाएगा नकद माल खरीदा, उसकी धनराशि लिख दी जाएगी 100, 500, 1000 जो जितने का भी हमने माल खरीदा है, तो वो एंट्री इसमें कर दी जाती है। मान लीजिए 500 रुपये मजदूरी के दिए, तो 500 रुपये मजदूरी के दिए, सीधा सीधा सेंटेंस के रूप में लिख देते हैं। हमें इसके लिए किसी विशेष तकनीकी की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और कौन से लेन देन हो सकते हैं, जैसे सोहन से 3000 रुपये मिले तो लिख देंगे 3000 रुपये सोहन से मिले, 2000 रुपये किराए के दिए, 150 रुपये की स्टेशनरी खरीदी, मोहन को उधार माल बेचा, तो इस तरीके से हम लिखते चले जाते हैं। अब बात आती है कि स्मरण वही की आवश्यकता एवं उपयोगिता अथवा महत्व क्यों है, हमें इसका प्रयोग क्यों करना चाहिए, इसका क्या महत्व है, तो हम इसका अध्ययन करते हैं।
स्मरण वही प्राय निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रखी जाती है। इसका प्रमुख उद्देश्य दिन भर के समस्त लेन देनों को होते ही लिख लेना है, जैसे कि कोई लेन देन लिखने से छूट ना जाए। अर्थात जैसे ही हमने कोई ट्रांजेक्शन किया, लेन देन किया, तत्काल उसे हम इस पुस्तक में लिख लेते हैं। इसमें लिखने से सबसे बड़ा फायदा होता है कि हमारा कोई भी लेन देन लिखने से छूटता नहीं है। यह जर्नल में लेखा करने की सहायक होती है। कभी कभी यह पुस्तक अंकेक्षक को अंकेक्षण कार्य में भी सहायता प्रदान करती है। मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन है, लेन देन है, जो पुस्तकों में लिखने से छूट गया है या जर्नल में इसका हमने लेखा नहीं किया है, तो हम स्मरण वही को देख करके भी पता लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा लेन देन छूटा है अथवा गलत एंट्री कर ली गई है। बहुत अधिक लेन देनों की दशा में इसको जर्नल में तुरंत लिख लेना संभव नहीं होता है, अतः वही का रखा जाना आवश्यक प्रतीत होता है। इसको रखने से एक व्यक्ति के साथ एक दिन में हुए लेन देनों को ज्ञात करने में सुविधा हो जाती है। इसके प्रयोग से जर्नल में स्वच्छता बनी रहती है, कटिंग नहीं होती है। आवश्यकता के समय यह लेन देनों के प्रमाण का भी कार्य करती है। अब बात आती है, ये तो कच्ची वही हो गई या मेमोरेंडम बुक हो गई। अब बात आती है फाइनल, जो हमारी रोजनामचा या जर्नल है उसमें एंट्री करते हैं। तो रोजनामचा क्या होता है या जर्नल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं। यह प्रारंभिक लेखक की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक होती है। इसमें सभी व्यापारिक लेन देनों का स्मरण वही की सहायता से दोनों पक्षों में तिथि बार तथा क्रमानुसार लेखा किया जाता है। यदि स्मरण वही नहीं रखी जाती है तो लेन देन सीधे इसी पुस्तक में कर लिए जाते हैं। जर्नल में लेखा करने की प्रक्रिया को प्रविष्टीकरण या जर्नलाइजिंग कहते हैं। जर्नल में लेखा करने से पूर्व प्रत्येक लेन देन से संबंधित दो खाते या पक्षों का पता लगाया जाता है, जिससे एक खाते या पक्ष को ऋणी किया जाता है और दूसरे खाते या पक्ष को धनी किया जाता है। यह ऋणी या धनी कुछ नियमों, निश्चित नियमों, सिद्धांतों के अनुसार करते हैं। इन नियमों का वर्णन हम आगे अध्ययन करेंगे। बात आती है कि रोजनामचा की विद्वानों के द्वारा क्या परिभाषाएं दी गई हैं, तो हम बेबचेस्टर शब्दकोश के अनुसार कह सकते हैं, रोजनामचा का आशय दोहरा लेखा प्रणाली की मौलिक प्रविष्टि की वही से है। जर्नल के खातों का स्पष्टीकरण, खानों का जर्नल जो है हम तैयार करते हैं, उसमें 5 खाने होते हैं जिनके अंतर्गत लेन देनों को लिखा जाता है। तो नंबर 1 पर हम चर्चा करते हैं तारीख, डेट। इस खाने में सबसे ऊपर वर्ष तथा नीचे की ओर पहले महीने का नाम, फिर लेन देन की तिथि लिखी जाती है। दूसरा जो कॉलम होता है वो होता है विवरण का। इस खाने में प्रत्येक लेन देन का विवरण लिखा जाता है। प्रत्येक लेन देन को 2 लाइनों में लिखा जाता है। पहली लाइन ऋणी किए जाने वाले खाते का नाम लिखकर उसके आगे ऋणी शब्द लिख दिया जाता है तथा दूसरी लाइन में केवल 3 सूत्र जगह छोड़कर धनी किए जाने वाले खाते का नाम लिखकर का शब्द का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी भाषा में लेखा करने पर दूसरी लाइन में अंत के बजाय शुरू में ही खाते से पूर्व 2 शब्द का प्रयोग करते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि व्यक्तिगत खातों के नाम के आगे खाता या अकाउंट शब्द नहीं लिखा जाता है। जब हम विवरण लिखेंगे तब हम इस चीज को आपको फिर स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे
जो पर्सनल अकाउंट होते हैं, व्यक्तिगत खाते होते हैं, उनके आगे हम अकाउंट या खाता शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, सीधे उसका नाम का प्रयोग करते हैं। खाता पृष्ठ संख्या, तीसरा जो कॉलम है वो है खाता पृष्ठ संख्या लेजर फोलियो। इस खाने में खाता बही के उस पृष्ठ की संख्या लिखी जाती है जिस पर वह खाता खोला गया है और जिसमें यह लेखा किया जाएगा। इसे संक्षिप्त में खाता पृष्ठ संख्या खा प्र स भी लिख सकते हैं और अंग्रेजी में LF लेजर फोलियो लिख सकते हैं। चौथा जो कॉलम है वो है धनराशि का और इसमें धनराशि का जो ऋणी पक्ष होता है उसका धनराशि लिखी जाती है। पांचवा जो कॉलम है, अंतिम कॉलम है, वो है धनराशि ऋणी धनी। इस खाते में धनराशि धनी किए जाने वाले खाते की राशि लिखी जाती है। ध्यान रखेंगे पांचवें चौथा जो कॉलम है वो धनराशि ऋणी के लिए है और जो पांचवा कॉलम है वह धनराशि धनी के लिए है। जनरल में लेखा करने के पश्चात उसके नीचे लेन देन से संबंधित व्याख्या भी लिखते हैं जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि जनरल लेखे में संबंधित खाते को क्यों ऋणी और क्यों धनी किया गया है और उसके नीचे एक लाइन खींच दी जाती है विवरण के खाने में व्याख्या को लिखने के पश्चात उसके नीचे एक लाइन खींचकर लेखा बंद कर देते हैं ताकि इस लेखे के पश्चात दूसरा लेखा किया जा सके। इस प्रकार समस्त लेखे स्पष्ट रूप से पृथक पृथक दिखाई देवें। ये पांच खाने जो कि रोजनामचा के लिए होते हैं इनको करने के पश्चात तिथि बार हम सारे लेन देन कुछ नियम और सिद्धांतों के आधार पर लिखते हैं और लिखने के बाद में जब हमारा पृष्ठ भर जाता है तो नीचे योग लगाते हैं। तो कह सकते हैं योग लगाना और योग को आगे ले जाना, इसका भी एक नियम होता है। व्यापार में प्रत्येक माह अनेक लेन देन होते हैं अतः यह आवश्यक नहीं है कि एक माह के सभी लेन देनों की प्रविष्टियां जनरल के एक ही पृष्ठ पर आ जाएं, अर्थात उनके लिए कई पृष्ठों की आवश्यकता पड़ती है। जब एक पृष्ठ भर जाता है तो उसके अंत में विवरण के खाने में योग आगे ले जाया गया, टोटल कैरीड फॉरवर्ड, शॉर्ट में इसको लिख देते हैं टोटल CF कैरीड फॉरवर्ड अंग्रेजी में लिख दिया जाता है और धनराशि के खानों में धनराशि का योग लगाकर लिख दिया जाता है। अगले पृष्ठ पर विवरण के खाने में सर्वप्रथम योग आगे लाया गया, टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड अंग्रेजी में टोटल BF शब्द लिख दिया जाता है तथा धनराशि के खानों में धनराशि लिख दी जाती है। इस प्रकार यह क्रम बराबर तब तक चलता रहता है जब तक कि पूरे महीने के सभी लेन देनों की प्रविष्टियां पूरी ना हो जाएं। रोजनामचा के कुछ लाभ हैं जैसे लेन देन का पूर्ण विवरण, जनरल के द्वारा किसी भी लेन देन का तिथि बार पूर्ण विवरण सरलता से ज्ञात किया जा सकता है, ऋणी व धनी खातों की जानकारी जनरल के द्वारा यह भी ज्ञात हो जाता है कि कौन से खाते को ऋणी तथा कौन से खाते को धनी किया गया है, खाता खतौनी या लेजर पोस्टिंग करने में सुविधा, जनरल की सहायता से खातों में लेन देनों की खतौनी करना सरल व सुविधाजनक हो जाता है, कार्य विभाजन में सुविधा, जनरल का कार्य एक साधारण योग्यता वाला लिपिक भी कर सकता है,
अतः कार्य विभाजन में सरलता हो जाती है। प्रविष्टि की सत्यता की जांच। जनरल में प्रत्येक लेन देन का लेखा करने के पश्चात उसके नीचे कोष्ठक में लेन देन से संबंधित व्याख्या या टिप्पणी लिखे जाने से यह पता लगाया जा सकता है कि जनरल में लेखा सही किया गया है अथवा गलत। मतभेदों की दशा में सहायक। यदि व्यापारी का किसी भी व्यापारी से मतभेद हो जाता है तो यह कार्य रोजनामचा के द्वारा बहुत आसान हो जाता है, अर्थात हम आसानी से मतभेदों को निपटा सकते हैं। प्रारंभिक एवं अंतिम समायोजनाएं तथा सुधार के लेखे। वर्ष के प्रारंभ में किए जाने वाले लेखे वर्ष के अंत में किए जाने वाले लेखे सकल एवं शुद्ध लाभ की गणना करने के लिए किए जाने वाले समायोजन लेखे एवं अशुद्धियों के सुधार हेतु किए जाने वाले लेखे जनरल में ही किए जाते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं खातों के बारे में। खातों से आशय एवं उसकी परिभाषा। खाते से आशय उस विवरण पत्र से होता है जिसमें किसी पक्ष से संबंधित समस्त व्यापारिक लेन देनों का संक्षिप्त एवं तिथिवार लेखा किया जाता है, उसे हम खाते कहते हैं। कार्टर के अनुसार खाता बही में किसी व्यक्ति विशेष वस्तु या आय व्यय के संबंध में हुए समस्त व्यवहारों का संक्षिप्त विवरण ही खाता है। खातों के प्रकार। खाते तीन प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते और अवास्तविक या आय व्यय से संबंधित खाते। व्यक्तिगत खाते वे खाते जो किसी व्यक्ति विशेष संस्था प्रतिनिधित्व संस्था से संबंधित होते हैं वे व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। व्यक्तिगत खाते भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक व्यक्तिगत, ये वे खाते होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति विशेष से संबंधित होते हैं, जैसे राम श्याम मोहन आदि का जो खाते होते हैं वे व्यक्तिगत प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। दूसरे कृत्रिम व्यक्तिगत, ये वे खाते होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष से ना होकर किसी संस्था से संबंधित होते हैं, जैसे भारतीय स्टेट बैंक का खाता, शेरवानी इंटर कॉलेज का खाता, लोकमान्य रूरल इंटर कॉलेज महवा का खाता। तो इसके जो खाते होंगे वे हमारे कृत्रिम व्यक्तिगत होंगे, क्योंकि ये व्यक्ति की भांति क्रय करते हैं, माल बेचते हैं, व्यवसायिक लेनदेन करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति के रूप में ना होकर एक संस्था के रूप में होते हैं। तीसरे प्रतिनिधित्व संबंधी, यानी कि वे खाते जो किसी एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं वे प्रतिनिधित्व व्यक्तित्व व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं, जैसे आदत्त व्यय खाता, क्योंकि आदत्त व्यय खाता है किसी एक व्यक्ति का भुगतान नहीं हुआ है, एक समूह है उस समूह का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो यहाँ पर आदत्त व्यय खाता है वह व्यक्तिगत खाता कहलाएगा। नंबर तीन पर आता है वास्तविक या संपत्ति खाते। वे खाते जो माल रोकड़ तथा संपत्ति से संबंधित होते हैं वास्तविक या संपत्ति खाते कहलाते हैं, जैसे माल खाता, क्रय खाता, विक्रय खाता, रोकड़ खाता, भवन मशीनरी खाता, फर्नीचर खाता, बैंक खाता इत्यादि। ये जो खाते हैं वो हमारे रियल अकाउंट या वास्तविक खाते कहलाते हैं। तीसरे नंबर पर आता है आय व्यय से संबंधित खाते या कहें अवास्तविक खाते,
यानी कि वे खाते जो किसी स्थायी संपत्ति से संबंधित ना होकर दैनिक आय तथा व्यय से संबंधित होते हैं आवास्यविक खाते कहलाते हैं। अब बात आती है इन खातों को ऋणीधरी करने के नियम की, तो ये भी खंड सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने लेन देन के आधार पर यह निश्चित कर लिया कि प्रत्येक लेन देन में कौन कौन से पक्ष प्रभावित हो रहे हैं, कौन कौन से खाते खोले जाएंगे। यह निश्चित करने के पश्चात अब बारी आती है कि किस खाते को धनी किया जाएगा, किस खाते को ऋण किया जाएगा। तो इसके लिए बहुत संक्षिप्त, बहुत ही सिंपल सी नियम हैं जिनको हमें कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है, जिसके आधार पर हम भविष्य में हमेशा जर्नल एंट्री कर सकते हैं और जर्नल एंट्री करने में हमें कभी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहले चर्चा करते हैं व्यक्तिगत खाते की। व्यक्तिगत खातों के संबंध में नियम, क्योंकि व्यक्ति में व्यक्ति की दो विशेषताएं हो सकती हैं, या तो व्यक्ति पाने वाला होगा या फिर व्यक्ति देने वाला होगा। हमें व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना है कि व्यक्ति पाने वाला है अथवा देने वाला है। पाने वाले को ऋणी करते हैं और देने वाले को धनी करते हैं। दोबारा सुनिए, हमें व्यक्ति को पहचानना है कि व्यक्ति है तो वह पाने वाला है अथवा देने वाला। पाने वाले को ऋणी करते हैं और देने वाले को धनी करते हैं, व्यक्ति के बारे में ये बात हो गई। दूसरा है रियल अकाउंट या वास्तविक खाता, ये संपत्ति से संबंधित होता है। इसमें संपत्तियों की विशेषता होंगी कि या तो संपत्तियां व्यवसाय के अंदर आएंगी या संपत्ति व्यवसाय के बाहर जाएंगी। तो जो चीज व्यवसाय के अंदर आती है उसे हम ऋणी करते हैं और जो संपत्ति व्यवसाय के बाहर जाती है उसे हम धनी करते हैं। ये नियम थोड़ा ध्यान रखना। तीसरा मैंने बताया अवास्तविक या नाममात्र के खाते। नाममात्र के खातों के संबंध में भी हमें एक नियम ध्यान रखना है, कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है कि या तो हमारे खर्चे होंगे, हानियां होंगी, वो सभी की सभी ऋणी होती हैं, या तो हमको आय होगी या लाभ होगा, आय और लाभ ये दोनों के दोनों धनी किए जाते हैं, क्रेडिट किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो हमारे लेन देन हैं उनको हम किस प्रकार से ट्रीट करें, किस प्रकार हम पुस्तकों में ऋण अथवा धनी करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लिए लेते हैं, जैसे एक व्यक्तिगत खाते का एग्जाम्पल लिए लेते हैं। राम को माल बेचा, इस लेन देन में हमें यह डिसाइड करना है कि पाने वाला कौन है और देने वाला कौन है। राम को माल बेचा तो इसका मतलब है कि माल राम के पास में जा रहा है, राम पाने वाला व्यक्ति हो गया। नियम के अनुसार जैसे मैंने आपको बताया पाने वाले को ऋणी करते हैं तो राम ऋणी होगा। यहां पर राम का खाता शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधा राम आगे इसके लिख देंगे ऋणी। दूसरा है माल, संपत्ति है, संपत्ति आई या गई, हम कह रहे हैं ये व्यवसाय के बाहर जा रही है तो हम यहां पर विक्रय को धनी कर देंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। ऐसे ही श्याम से माल खरीदा, तो श्याम कौन हो गया,
माल को देने वाला, आप करेंगे श्याम का, जनरल एंट्री करेंगे। अभी हम पक्षों के बारे में डिसाइड नहीं करके किसको ऋणी करेंगे किसको धनी करेंगे ये नहीं देख करके हम कह रहे हैं कि पाने वाला है या देने वाला, ये हम डिसाइड कर रहे हैं। जैसे श्याम से माल खरीदा तो श्याम अब देने वाला हो गया तो श्याम को हम धनी करेंगे। अब जैसे राम को माल बेचा था तो राम पाने वाला हो गया था, तब हमने ऊपर जो एंट्री थी उसमें राम को ऋणी किया था। चलिए अब थोड़ा सा इसी को हम समझने का प्रयास करते हैं। 1 जनवरी 2010 को नकद माल खरीदा, तो माल खरीदा, माल आया, संपत्ति है, हमेशा ध्यान रखो इसको ऋणी करेंगे, तो क्रय खाता ऋणी। माल खरीदेंगे तो हमारे यहां से क्या गया? रोकड़। एग्जैक्ट, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, रोकड़। तो रोकड़ को धनी करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 1 जनवरी 2010 को नकद माल खरीदा, तो इसमें कौन कौन से खाते, कौन कौन से पक्ष प्रभावित हो रहे हैं? एक तो माल आ रहा है और रोकड़ जा रही है। माल की दशाएं चार हो सकती हैं, यदि खरीदा है तो क्रय, बेचा है तो विक्रय, बेचा हुआ माल लौट करके वापस आ गया विक्रय वापसी, खरीदा हुआ माल हमने वापस कर दिया क्रय वापसी, यानी कि माल की चार दशाएं होंगी, क्रय विक्रय क्रय वापसी विक्रय वापसी। और जब माल खरीदा हमारे यहां से क्या गया? रोकड़। तो रोकड़ जो है वो धनी हो जाए।